we have a big round of applause? Can we hear you from the winner? Hey, mobiles! Mobiles! Ladies and gentlemen, we need you to give them a big round of applause! If you want Siddharth, Ritesh and Shraddha to be out, you have to scream! Not working, can you scream loud? Number one blockbuster track, the most romantic track of the year. Give it up for Kim Tiwari! Thank you everyone. Tell us the secret behind your voice and the motivation. Kya hai? Secret kuch nahi, bas aap sabka pyar hai aur aap logon ki duaen hai. Lekin mujhe ek shikayat hai aap logon se, aapne gaya nahi yaar mere saath. तो मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही थी आप लोगों की? आप अभी गाओगे? यही डूबे दिल मेरे से, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और आप लोग ऊपर खड़े हो, हेलो सब लोग, हेलो, यही मंदिर और मदीना अपने दो गाने मैं आप लोगों को आज सुनाने वाला हूँ एंड एक गाना मैंने इस फिल्म के लिए किया है. गाने का नाम है जैसे बंजारे को घर, सॉन्ग वॉल बंजारा एंड वो आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ. एक्चुअली थोड़ा सा बांटूंगा आप लोगों के साथ की इस गाने को जब कंपोज कर रहा था मैं तो मुझे बहुत सारे मोहब्बत को लेके बहुत सारे मेटाफर्स आते हैं पर इस बार हमको ख्याल ये आया है कि लव इज मेनी थिंग्स बट लव इज ऑल्सो अ शेल्टर. दैट वॉज द आइडिया दैट मोहित सूरी एंड मी शेयर्ड फॉर दिस सॉन्ग. सो विदाउट डीलिंग एनी फर्दर आई वुड लाइक टू कॉल मोहम्मद इरफान हु हैज संग द सॉन्ग एंड लेट अस हियर द सॉन्ग. आई लव यू टू. थैंक यू. आप सबको पसंद आया? सच में ना सबसे सबसे ज्यादा अच्छा किसका लगा? श्रद्धा का ही मेरा. श्रद्धा तो आप लोग बताओ सबसे सबसे ज्यादा अच्छा किसका लगा? श्रद्धा भी ना. श्रद्धा चलो तुमने बहुत अच्छा गाया. वेरी गुड श्रद्धा कपूर. कम ऑन गाइस. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन आई थिंक वी कैन डू मच बेटर. All right, so I have to ask this question to you specifically. What is it with good girls liking bad boys? What is this trend? Hi everyone. Thank you so much for coming here. It means a lot. I hope you guys are enjoying our villain, Ek Villain concert. But what he has asked me is why do girls like villain type guys? हम लड़कियों को विलेन टाइप लड़की क्यों पसंद है? तो एक सीक्रेट आपको बताई देती हूँ आज अबाउट अस गर्ल्स. दैट्स दिस कि जो विलेन्स में वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, दैट ग्रे शेड कि यू कांट गेस कि अभी ये लड़का क्या करने वाला है. व्हाट इज ही गोइंग टू डू नाउ? व्हाट इज बिहाइंड हिज माइंड? दैट अनप्रिडिक्टेबिलिटी, दैट डार्क, वो डार्क शेड होता है, वो मिस्टीरियस वाइब जो होती है. मतलब अभी हीरोज का जमाना खत्म हो चुका है. वी लाइक द विलेन, दैट विलेन टेस्ट, दिस टेस्ट दैट्स देयर. सो दैट इज वन सीक्रेट आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट. वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली. सो हाउ मेनी गर्ल्स एग्री विद श्रद्धा? नॉट हैपनिंग. वी हैव अ मॉल पैक्ड अवे. हाउ मेनी गर्ल्स एग्री विद श्रद्धा?
श्रद्धा कपूर फैंस एंड फॉर हर सिंगिंग। वो तो पहले ही प्रूव कर दिया ना श्रद्धा, अच्छा भी मतलब तोड़ रहे थे नहीं यार। लेडीज एंड जेंटलमैन नाउ इट्स टाइम फाइनली। नो बट वेट 1 सेकंड गाइस, होल्ड ऑन होल्ड ऑन गाइस। Today I've come here for another special reason. Who wants to know who the real villain is in Ek Villain? Who wants to know? Do you guys want to know who the real villain is? So, आज मैं आपको बताने वाली हूँ who the real villain is. हमारा असली villain कौन है? You. बताइए. मैं भी confused हूँ कि आप villain हो सकते हैं क्या मतलब? विलेन तो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ, शायद दिखती नहीं हूँ, आई होप कि दिखती नहीं हूँ। Absolutely not. How can it? Does Shraddha Kapoor look like a villain to you? Yes! How many says it's extremely beautiful? I think it was such a big fan base everywhere over here. But don't get fooled, huh? Do not get fooled. Someone said A villain. Can you do that A villain? I heard that. I heard somebody. But, to villain कोई भी हो सकता है. मैं हो सकती हूँ. आप भी लग सकते हो villain. मैं पैदाइशी villain. और आपके पीछे भी हो सकता है. And you guys, watch your backs. But let's bring out the asli villain. Let's bring out the asli villain. So can I have the men with the hoods and the asli villain please coming on stage? Wait. That's not how we will call them. Sorry. A villain. A villain. Villain. Warm reception, and I just want to say that Shraddha, you are brilliant. Thank you so much. Great. Okay, I love you too. मुझे लगता है कि ये जो डार्क कैरेक्टर है ये मोहित और एकता की सोच है, तो खासकर guys, keep it down. मुझे ये रोल मिला है और I'm really excited about this. Thank you very much, sir. Moving on to Siddharth. It's not like he's taking his shirt off. Please calm down. Siddharth, ye bataiye.
मतलब सिद्धार्थ ये बताइए, ये चॉकलेट बॉय वाला रूप छोड़कर आप विलन विलनगिरी में घुस गए, मतलब ये क्या है सर? ऑल द गर्ल्स आउट देयर वांट टू नो एंड दे लाइक बैड बॉयज, डू यू लाइक बैड बॉयज? बिकॉज बीइंग बैड इज गुड राइट, एंड गर्ल्स लाइक वी मेक बैड लुक गुड, सो हेंस ऑल थ्री ऑफ अस आर हियर टू शो यू एक विलन, हाउ द विलन्स कैन बी गुड एंड बैड एंड कूल. And with the new heroes which are back. Ritesh, आपसे question पूछना चाहूँगा, इस film में actually villain है कौन? श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा कब से एकदम वैसे एकदम intrigue create कर रही है. And सिद्धार्थ भी कुछ बता रहे नहीं, तो आप ही बता दीजिए इस film में actually villain है कौन? इस film के दो villain हैं. जी. एक एकता कपूर है और सबसे बड़े villain मोहित सुरी. So ladies and gentlemen, अब इन्होंने बोल ही दिया है मोहित सुरी सबसे बड़े villain जो है यहाँ पर. Please put your hands together for the director, for the man behind this film, Mohit Suri. No, I never thought that in school for things that you'd be shouted at, for being bad, for being naughty, finally you'd be appreciated by so many people over here. So thank you all very much for making bad look so good. Thank you all, villains. Mohit, just tell us one thing. Casting Siddharth, Ritesh, they're completely different characters. I mean, they're known for comedy, love, you know, bringing romance to screen, and suddenly a completely contrasting character. ये आपकी, आपने क्या सोच के किया था? I think they cast me, actually, to be honest. I'm not taking credit for this. Both these actors, including her in Ashiqui, when she had done that pass, and then obviously had the faith in this film. Both these actors came to me saying that they wanted to play something that was there in them, what they believed in. So I give them full credit for whatever they've done in this film. How they are in this film is something that these actors felt that they could do. And that's why they look so good. I just make them look bad, that's all. Ritesh sir, what is this new age villain? New age villain, ye kuch samajh nahi aa raha mujhe. Kill him. Just kill him. No, don't kill me, they want to know. They want to know, not me. Yeah, kill him. No, I think just the fact that the man or the boy next to you could be a villain, you know, he could have a dark side. I think everyone has a dark side, and this film portrays that. Shada, what about the singing talent? I mean, kahan se aata hai ye gaane ka, ye sur aur taal kahan se aata hai? Let's just say ki since Aashiqui, I was telling Mohit ki please let me sing. That time he heard my voice and he said, he didn't say anything. So I guess if he didn't let me sing for a villain, I would have felt bad. But he let me and he gave me such a beautiful song. So it was an attempt. It was fun. It was a lot of fun. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सिद्धार्थ भी बहुत अच्छा गाता है. कि यही गाना आज आपके सामने सिद्धार्थ भी और हम सब लोग जानते हैं. किरदर्शन कितना अच्छा डांस करता है सिंह, और आप सब जानते हैं मैं तभी गाना गाऊंगा अगर रितेश सर डांस करेंगे. सर मैं बिना पैसों के कहीं भी नाचता हूँ. आप चलिए आप गाइए, मैं नाचता हूँ और मैं कहीं नहीं गाता हूँ सर. मेरे इतने पैसे में इतना ही मिलेगा. अभी हमारे सिंगर्स ने यहाँ गाना गाया, तो आई वुड नॉट लाइक टू स्पॉइल देयर सॉन्ग एंड देयर कंपोजिशन, सो वी विल कीप दिस सिंगिंग एंड डांसिंग फॉर लेटर. बहुत आपसे पूछना चाहेंगे, ये हुड्स का कॉन्सेप्ट क्या था? ये हुड्स एंड दे स्माइलीज, ये क्या था? एक्चुअली क्या है, मैं पर्सनली मुझे हमेशा हुड पहन के शूटिंग करता हूँ. अच्छा. तो शायद उस वक्त किसी एक्टर ने मुझे बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा कि क्या कॉस्ट्यूम होना चाहिए इस कैरेक्टर का. तो फर्स्ट चीज दैट केम टू माय हेड वाज द हुड. एक्चुअली वो जान बचाओ सवाल होता है जो एक डायरेक्टर एक एक्टर को देता है, और वो हुडी मैंने उधर ही दे दी. जी. But it was just a statement that I wanted to make. A person in the hood can be anyone, as he said. A man sitting to you next to in the bus, a man sitting in the train. Yes, Ruchika, I know you love that. But yeah, that was just what the hood was. Well, ladies and gentlemen,
the cast, the crew, and the genius behind the film, Eric Willen, ladies and gentlemen. The rest of my team. Milab, Shah, Milab, you're dying to come and sit down, Milab. I'd also like that's to call... That's the dialogue writer who's dying to be on screen. That's the actor. And everyone else who's back home working on the film. Mr. Tanuj Garg, CEO, please come Hello. On stage. Tanuj. The man generally doesn't come on stage, but the yes. The real villain, actually. The actual villain. Where's your hotel? Tanuj, you want to say something? You guys have done all the talking in the beginning. Tanuj, pay more to your fans. Tanuj, there. Tanuj, your fans. Yay. All right, ladies and gentlemen, a big round of applause. I'd also like to invite Mr. Vijay Bhatia, Operations General Manager, Mr. Kiran Purthan, Mr. Sanjay Pathak, Mr. Rahul Ambekar, also Ms. Shafali from Reliance, Mr. Vijay Pereira, Le Innovance, also Jayesh Joshi, Mahesh Patel, and Yogesh Lakhani, Bright Advertising. Ladies and gentlemen, please welcome them on stage. Signing out saying thank you. Have a great day. Right, thank you guys. Thank you guys. Love you. See you guys on 27 June. Winning Times Day.